खुशी है इस चीज़ की, सबके बेटे ऐसे ही जीत हासिल करें। बेटियों को बेटियाँ पहले थी, ये भी बेटी को कहते थे भाई ये बोझ है, अब बेटियाँ लड़कों से ऊपर हैं। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो जो रानी रामपाल है वो किस तरह से मेहनत करती हैं अपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, क्या कुछ स्ट्रगल किया उन्होंने? इससे सुबह उसको और कुछ नहीं दिखता है, सुबह हॉकी से मेहनत करने से उसको कुछ नहीं दिखता है। सात सात आठ आठ महीने प्रैक्टिस के अंदर ही चले जाते हैं, उनके घर पे भी नहीं आते। तो जैसे कि आप पहले लेबर का काम करते थे, तो क्या अब आज भी करते हैं या फिर? ना जी, आज नहीं करता जी, आज मेरे को 7 साल हो गए जी छोटे को, ये सिर्फ रानी के बदौलत छूटा। तो आप सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं? चलो सरकार की तरफ से तो देखो जी, जो सुविधा दे रहे हैं वो ठीक ही दे रहे हैं अपने से, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो कितनी बेटियां हैं जो यहाँ की शाहबाद की? जो 3 लड़कियां हैं जी ये शाहबाद की। कौन कौन के नाम है? एक तो है जी रानी, एक नव नीता है जी, एक नवजोत कौर है जी, 3 लड़कियाँ हैं जी। तो क्या आपकी बात हुई आपकी बेटी से जीत के बाद? आज तो मेरी बात नहीं हुई, कल जरूर मेरी बात हुई थी। तो कल को हमारा मैच है और जीतना भी जरूरी है। कैसा लग रहा है बेटी ने जीत हासिल की? बहुत अच्छा लग रहा जी, मैंने इतनी मेहनत मैच जीत के लाया अपने इंडिया के वास्ते, आगे और बहने की कोशिश करें लड़के। हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुबह कैसे उनका जो है शेड्यूल शुरू होता है, किस समय वो उठते हैं, क्या प्रैक्टिस पे किस समय जाते हैं? हाँ जी 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे पहुंच जाते हैं ग्राउंड। मैं बहुत मेहनत करी सवेरे उठ का, अरब यही लगना मेहनत के लिए, और कुछ ना उसको मिलो उसे एक मेहनत सिवा उसने कुछ नहीं, और दिख जाए भी मैं मेहनत करूँ और आगे बढ़ूँ भी, और मारी इस मोर बच्चे भी मेहनत करा भी इस लेवल पर पहुँचा।